हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। यह अध्यात्म के साथ साथ प्रकृति के भी नजदीक है। तभी तो पेड़ पौधों को भी देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं को विभिन्न श्रेणियों में भी बांटा गया है और उसी के मुताबिक उनके वाहन भी हैं। पशु पक्षियों को दैवीय शक्तियों के साथ जोड़ना उन्हें हिंसा से बचाने का काम भी करता है। इसके पीछे कई कारण मौजूद हैं। देवी देवताओं को पशु पक्षियों के साथ उनकी रक्षा के लिए जोड़ा गया है। अगर ऐसा न होता तो मनुष्य पशु पक्षियों के प्रति क्रूर हो जाता। शाकाहार से अधिक मांसाहार को प्राथमिकता दी जाती। आइए जानते हैं कौन से देवी देवता किस वाहन पर होते हैं सवार। गणेश जी का वाहन। गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लूटना या चुराना। ये संकेत स्वार्थी होने का सूचक है। गणेश जी मूषक की सवारी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वार्थ और लालच पर विजय हासिल की है। भगवान शिव का वाहन। भगवान शिव के वाहनों में नंदी उनके सबसे प्रिय गणों में से एक है। शास्त्रों में नंदी को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। बैल स्वभाव बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये शेर से भी भिड़ जाते हैं। शिव जी का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही है। लोक मान्यता है कि बैल जिस्मानी इच्छाओं से दूर रहने वाला प्राणी है। माता पार्वती का वाहन। माता पार्वती की सवारी शेर है। शेर को साहस और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार माता पार्वती जंगल में तपस्या कर रही थी। एक शेर उन्हें खाने के लिए आया, लेकिन उन्हें देखकर वो उनके पास बैठ गया। माँ सालों तक तपस्या करती रही और वो शेर भी वहीं पर बैठा रहा। वो जब अपनी तपस्या पूरी करके उठी तो उन्हें इस बात का पता चला। शेर की श्रद्धा से खुश होकर माता ने उसे अपना वाहन बना लिया। श्री कृष्ण का वाहन। श्री कृष्ण को बचपन से ही गायों से काफी प्रेम रहा है, इसलिए उन्हें गोपाल भी कहा जाता है। उनकी लगभग हर तस्वीर में गाय माता को उनके आसपास देखा जा सकता है। श्री कृष्ण की कोई भी तस्वीर गायों के बिना अधूरी मानी जाती है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गायों के बिना वो पूर्ण नहीं होते। शायद इसके पीछे भारत के गांव की झलक दिखाने का लक्ष्य होगा। भगवान विष्णु का वाहन। भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गरुड़ स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़े, जहां अमृत रखा था, और किसी तरह अमरता का अमृत प्राप्त कर लिया। वापस जाते समय भगवान विष्णु ने देखा कि अमृत कलश पास होते हुए भी गरुड़ में उसे पीने का लालच नहीं है। वो खुद अमृत न पीकर उसे लेकर कहीं जा रहा है। इस प्रकार भगवान गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बन गए। माता लक्ष्मी का वाहन। अमावस्या की काली रात में देवी लक्ष्मी धरती पर पधारी, तभी उल्लू ने काले अंधेरे में भी अपनी तेज नजरों से उन्हें देख लिया और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया। इसके बाद लक्ष्मी जी उल्लू को अपना वाहन स्वीकार किया। माँ लक्ष्मी को तभी से उल्लूक वाहिनी भी कहा जाता है। शास्त्रों में भी उल्लू को विशिष्ट क्षमता और विलक्षण दृष्टिकोण वाला पक्षी माना गया है, जो नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का द्योतक है। माता सरस्वती का वाहन। माँ सरस्वती का वाहन हंस होता है। हंस ज्ञान का प्रतीत होता है। इसके साथ ही हंस के सामर्थ्य और गति माँ सरस्वती के ज्ञान और कला की प्रतिष्ठा करती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से विज्ञान, कला, विद्या, वाणी, बुद्धि, संगीत की प्राप्ति होती है। भगवान भैरव का वाहन। भगवान भैरव का वाहन श्वान होता है। श्वान हर समय जागरूक अवस्था में रहता है। सोते समय भी वो आसपास में होने वाली हर आहट पर ध्यान रखता है। जरा भी भय होने पर वो तत्काल सचेत हो जाता है। श्वान अपने स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार रहता है। अपने जीवित रहते अपने स्वामी पर कोई भी आंच नहीं आने देता। श्वान की सूंघने की शक्ति अति तीव्र होती है। कोई होने वाली घटना का ये पूर्वानुमान कर लेती है और इसी शक्ति के कारण श्वान सदैव सतर्क रहता है। यमराज का वाहन। यमराज का वाहन भैंसा माना जाता है। जैसे भैंस को बहुत ही भयानक समझा जाता है, उसी तरह यमराज को भी बहुत भयानक माना गया है। उसकी एक खास बात ये भी है कि वो मुसीबत पड़ने पर ही किसी पर हमला करते हैं, वरना इनका स्वभाव बहुत ही शांतिप्रिय होता है। भैंस को एकता का प्रतीक भी कहा गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें।